वेलकम बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्कशीट नंबर 56 मैथ्स क्लास 10th के लिए। पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बात होती है। तो लड़की बोलती है मुझे सुमेधा के जन्मदिन के लिए गिफ्ट को पैक करना है। गिफ्ट को पैक करने के लिए मैं क्या करूं, मुझे कितना कागज देना होगा, कितना कागज चाहिए। तो बच्चा युग्म बोलता है कि हाँ बहुत आसान है, जो गिफ्ट बॉक्स होगा उसका पृष्ठ क्षेत्रफल होगा उतना ही कागज लगेगा। ये कहते हैं ठीक है युग्म, मैं तुम्हें बताती हूँ कि गिफ्ट बॉक्स में किताबें हैं और तुम बता सकते हो कि कितनी किताबें रखी हैं। तो युग्म कहता है बहुत इजी है, गिफ्ट बॉक्स का और किताब का आयतन निकाल लो। गिफ्ट बॉक्स इतना बड़ा बॉक्स होगा और एक किताब का आयतन, तो किताबों की संख्या कैसे होगी, गिफ्ट बॉक्स के आयतन बटा में एक किताब का आयतन, बड़े आराम से आ जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि दो वर्ड आए हैं, एक पृष्ठ क्षेत्रफल और एक आया है आयतन, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन में क्या अंतर है। तो ये पढ़ेंगे, किसी भी वस्तु का आकार की सतह, कोई भी वस्तु के आकार की सतह यानी पृष्ठ, ये पृष्ठ है ये, इसका क्षेत्रफल कहलाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऊपर हो, नीचे हो, दाएं हो, बाएं हो, और ये दो तरह से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी किसी भी वस्तु की जितनी भी सतह है सारी सतहों को क्षेत्रफल को जोड़ दो। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है जिस तरह से चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं उस तरह की चीजें, यानी कुछ सतहों का क्षेत्रफल को जोड़ दिया जाता है। क्योंकि इसमें दो ही विमाएं होती हैं तो इसका मात्रक होगा वर्ग इकाई, या तो लंबाई चौड़ाई होगी, लंबाई ऊंचाई होगी, मतलब दो ही विमाएं होंगी, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में इसको नापा जाता है। और क्षेत्रफल नापने के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे गिफ्ट पैक को रैप करना, दीवार को रंगना, पेंट कराना, डेंट कराना, है ना, कटोरे को ढकना, तो इस तरह से कोई चीज कवर की जा रही है, तो ये पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के संकेत हैं। ठीक है बच्चों, आयतन क्या होता, आयतन मतलब कोई भी वस्तु है, ठोस वस्तु है, उसके द्वारा घेरा जाने वाला स्थान, वो कितना स्थान घेरती है, या कोई खोखली वस्तु है उसकी कितनी धारिता है, उसमें कोई चीज कितनी आ सकती है। तो ये त्रिविमीय मात्रक है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है, तो घन इकाई इसका मात्रक कहलाएगा, ऐसा यूनिट यानी मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। जैसे टैंक में कितना पानी आता है, टैंक से मिट्टी निकाली गई, कुएं से, कुएं में पानी, कटोरे में सूप, पैकेट में माचिस की संख्या, सिलेंडर में गैस, ये सब क्या है, आयतन निकालने का संकेत है। चलिए कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं, हम उसको देखते हैं, कुछ फिगर्स हैं। देखिए क्यूबॉइड है यानी कि घनाभ, घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीन विमाएं होती हैं, तो आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा दो गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, और कुल क्या होगा, सारे पृष्ठों को जोड़ दो। देखेंगे आप दीवार के दो तरफ लंबाई ऊंचाई है, दो तरफ चौड़ाई ऊंचाई है, और छत और फर्श को जोड़ दें लंबाई चौड़ाई, सब दो दो बार है तो दो कॉमन आ गया। क्यूब होता है घन, घन में तीनों देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही बराबर होते हैं, एल बी और एच बराबर होते हैं, जिसको हम ए नाम साइड भुजा नाम दे देते हैं। तो फॉर्मूला होगा वॉल्यूम का आयतन ए क्यूब, ठीक है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा चार पाई फोर ए स्क्वायर, और ये होगा सिक्स ए स्क्वायर। सिलेंडर है, ये सिलेंडर होता है बेलन, बेलन बोलते हैं इसे हिंदी में, बेलन में ऊंचाई होती है और त्रिज्या होती है, तो इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच आयतन, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा टू पाई आर एच, कुल होगा टू पाई आर एच प्लस आर। कोन यानी शंकु, शंकु में आप देखिए ये त्रिज्या ऊंचाई है और ये ऊंचाई है, ये त्रिज्या है, ठीक है। त्रिज्या ऊंचाई, ऊंचाई और त्रिज्या में क्या रिलेशन, हम देखेंगे, समकोण त्रिभुज बन रहा है ये। और दूसरी बात, सेम त्रिज्या और सेम ऊंचाई वाले अगर दो, एक बेलन एक शंकु है, तो अगर बेलन में पानी भरना है तो तीन बार शंकु से पानी डलेगा तो पूरा बेलन भर जाएगा। तो इसका मतलब जो शंकु, जो बेलन का आयतन है उसका एक तिहाई होता है शंकु का आयतन। अच्छा, वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस आर। अब आते हैं स्फेयर यानी कि गोला, गोला इसमें देखिए ये त्रिज्या है,
ऊंचाई भी एक तरह से त्रिज्या त्रिज्या बिल्कुल हो जाएगी, है ना, त्रिज्या सब जगह त्रिज्या ही त्रिज्या है। तो इसका आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यू। वक्र और कुल दोनों सेम होंगे क्योंकि और कोई पृष्ठ नहीं है, सिर्फ एक ही पृष्ठ है इसका, 4πr². ठीक है। हेमिस्फीयर यानी अर्धगोला, गोले का आधा, गोले का आधा, तो वॉल्यूम भी तो आधा होगा ना, आयतन 4/3 था, यहां 2/3 हो जाएगा पाई आर क्यूब। वक्र होगा ये वाला 2πr² कुल का, जो इसका है इसका आधा हो गया वक्र। अब कुल क्षेत्रफल होगा 2πr में एक ही वृत्त भी बन गया है, इसका क्षेत्रफल भी जोड़ देंगे, यानी 3πr². क्लियर हुआ? चलिए अब थोड़े से प्रश्नों के उत्तर करते हैं। स्थितियों में बताना है, ये जो कुछ एग्जांपल दिए हुए चित्र दिखा रखे हैं, आपको बताना है इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है कि आयतन, सिर्फ ये लिखना है हमें। तो हम ये देख रहे हैं लिक्विड है, लिक्विड तरल पदार्थ है, यानी कि हमें आयतन निकालना है। ये बच्चा रैप कर रहा है बुक को, है ना, कवर लगा रहा है, या गिफ्ट बुक जो भी है ये। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल दीवार पेंटिंग हो रही है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय दो तरह का है, लेकिन फिलहाल हमें सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना है। ये डी पॉइंट में भी कुछ कवर टाइप का हो रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल। गाड़ी में कितनी कैपेसिटी है, सामान कितना अंदर आ सकता है, तो क्या है बेटा ये आयतन। कुएं से मिट्टी निकाली जा रही है, आयतन है ना। निम्न वस्तुओं का नाम बताना है, खुला, गोल, कटोरा। कटोरा तो अर्ध गोले जैसा होता है, तो इसका आंसर होगा अर्ध गोला। गोल कुआं, कुआं कैसा है, बेलन जैसी शेप है, तो ये होगा बेलन। पूरा नाम आप लोग लिख लेना, बेलन को क्या बोलते हैं, लंब वृत्तीय बेलन। ठीक है। भुट्टा कोन जैसा होता है, कोन, शंकु जिसे बोलते हैं। घर का कमरा कैसा होता है, घनाभ जैसी आकृति होती है उसकी। चंद्रमा पूरा गोल होता है, गोला। ठीक है। प्रश्न 3, घन की सतह किसके आकार की होती है, बताइए। घन, घन में सभी भुजाएं बराबर होती है ना, देखिए आप फिगर में देखिए, ये घन है, तो ये वर्ग के आकार की होती है। एक आयत को मोड़ने पर वह डैश क्या, हाँ आयत, देखिए ऐसा आयत है, उसको मोड़ेंगे तो ये बेलन बन जाएगा बेटा। इंग्लिश मीडियम में कुछ और लिखा हुआ है, तो वहां पे हमने रेक्टेंगुलर शीट्स को मोड़ के सिलेंडर बोला था, तो यहाँ पे सिलेंडर बोला है, सिलेंडर, यहाँ पे सिलेंडर की खाली जगह है, तो यहाँ पे हम सिलेंडर ही लिखेंगे, बेलन लिखेंगे। क्या पूरा नाम होता है, लंब वृत्तीय बेलन। जब आप कोई भी कागज देखना, उसको मोड़ के देखना, तो वो बेलन की शेप बन जाती है। ठीक है, एक तरह से एक्टिविटी भी बन गई। लंब वृत्तीय शंकु का आधार, हम अगर शंकु का आधार देखेंगे, ये वाला आधार देखिए, तो ये वृत्त की शेप का होता है ना, तो वृत्त लिखेंगे यहाँ पे, वृत्त के आकार का होता है। तो इस तरह से हमारी वर्कशीट पूरी होती है। ठीक है, आप बताइएगा कि घनाभ का जो पृष्ठ है, जो सतह है, वो कौन से आकार की है, क्या चीज है, वो वर्ग है कि आयत है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।